अब पिछला दौर में जो है हम लोग क्या किए थे, बीडिंग के सहारे हम ग्लास पैनल को फिक्स किए थे, इसमें हम पुट्टी फिटिंग कर देते हैं। अब यानी कि रेल पहले डाल देंगे सर्स बार और स्टाइल में और रेल में, और उसके बाद चारों साइड से हम पुट्टी फिक्स फिट कर रहे हैं। तब मेरा ये दोनों साइड तरह का हमारा ग्लास फिटिंग हो जाएगा। ये बीच में क्या आएगा, इस तरह का सेक्शन लाइन यहाँ भी आएगा नहीं, क्योंकि ये जो है फिनिश सरफेस रहेगा सी लेवल पर, तो हमें ये सेक्शन नहीं दिखा, सेक्शन दिखेगा विंडो के एरिया के बाद। तो ये हम 60x100 हो गया। पिछला तो हम लोग लेग ब्रेस्ट एंड बैटन विंडो किए थे, इसमें स्प्लिट टाइप का हम लिपिंग किए थे, इसमें हम स्क्वायर टाइप का लिपिंग दे देते हैं। तो लिपिंग दे दिए, दोनों सेटर मेरा यहाँ कनेक्ट होकर के ओवरलैप होकर के मिल रहा। अब ये बेयर हमारा कितना होगा, ग्रुप कितना काटेंगे, ग्लास पैनल का कितने दिया है 3 मिलीमीटर, तो अगर हम ये रखें तो 3 mm का ये दे दे ग्लास पैनल, तो कील को भी नेल को भी अटकने के लिए हमारा जगह चाहिए, ऐसा ना हो कि हम नेल डालें और वो फट जाए लकड़ी। तो एटलीस्ट कम से कम 13 mm का हमको गैप देना होगा, 13 × 3 = 16 mm का, ये मेरा 30 mm का है। तो 30 mm का है, तो 40 mm हम इधर छोड़ दिए और 60 mm का इधर ग्रुप काट दिए, उसमें हम ग्लास पैनल फिट कर दिए। अब जो पुट्टी रहेगा वो मेरा इस तरह ट्रायंगुलर शेप में दिखेगा।
ये हो गया, तो ये मेरा, और यहाँ भी चूंकि पुट्टी रहेगा तो ये प्लान ऑफ पुट्टी दिखेगा ये हमें। अब इसका नोटेशन दे देते हैं, ये हो गया पोस्ट। दोनों सटर का डिफरेंट टाइप का नोटेशन दे दिए तो पता लगेगा कि ये सटर कहाँ से कहाँ तक है। अब जो है डायमेंशनिंग कर देते हैं, तो 60 का है तो 59 तो ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 15, फिर ये हमें मिलेगा 60 में से 13 माइनस हो गया, 60 में से 13 माइनस हुआ तो ये मेरा हो गया 57, 13, फिर यहाँ ये हो गया 13 और ये हो गया 57, 15, 57, 15 और ये हो गया मेरा 13, 57, 15, 55। इस तरह से हम ये कर दी। अब ये जो हो जाएगा ये मेरा, और यहाँ बीच का, बीच का क्या होगा, ये तो साइड जो हम लिखे हैं 588, ये ग्लास पैनल का यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन यहाँ हमको जो दिख रहा है वो क्या दिखेगा, वो 588 माइनस 26 हो जाएगा। तो 588 माइनस 26,
ये तो छोटे वाले पैनल के लिए हम किए हैं, तो ये हो जाएगा 2, 6, 5, तो ये हो गया 562, और एक को हम कर देते हैं 563। तो इस तरह से अब ये सबको जोड़ के देखिए, ये 45 और 15 75 हो गया, और इधर जो हो गया 47 और 13 47 50 60 और 15 75, तो ये स्टाइल का साइज मिल गया हमको। तो अब हम ये कर सकते हैं कि इसको हम जोड़ लें कि 45 प्लस 45 75 यहाँ तक हो गया, और तो ये हो गया मेरा 120। तो 120 गुने 2 हो जाएगा, ये 120 प्लस 120 दोनों साइड का। अब ये बीच का हम 47 प्लस 13 60 हो गए, तो 60 इधर और 60 इधर, तो 60 60, और बीच में 15 mm का लिपिंग हो गया। तो जबकि ये दोनों में आ रहा है, लेकिन हमको तो कैलकुलेट करना है ये 1200 1500। अब ये इसके बाद 562 562 और 563, तो सभी को जोड़िए, तो 5 2 7 10 1 2 2 4 6 10 6 16 16 1 17 17 1 18 18 1 12 30, बाकी बच गया मेरा 3। पर 10 3 हुआ, और 3 4 5 5 10 5 15 1500 मिल गया। तो ये मेरा कैलकुलेशन डायमेंशनिंग मेरा सही हो गया। तो अब यहाँ नीचे लिख देंगे थोड़ा सा स्पेस लेकर के, हम के पास तो स्पेस नहीं है तो हम इस तरह से लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्पेस देकर के लिखिएगा प्लान एट ए बी, ये हो गया। अब हम लोग तो इसमें देखिए लिंटल का साइज नहीं दिया हुआ है, तो हम अपने मन से अभी ले लेंगे, क्योंकि ये हम भी हमको डिजाइन नहीं कर रहा है, डिजाइन का पार्ट है 6th सेमेस्टर में। तो नॉमिनल अभी हम लोग 150 mm लिंटल थिकनेस लेकर के चलेंगे।
150। अब यहाँ हम लिख देते हैं CD और यहाँ हम इसका डायमेंशनिंग कर दे रहे हैं। तो ये हो गया 100 है, तो ये हो गया 70, 30 और इधर हो गया 20 पार्ट पर आते हैं। इसमें हमारा क्या क्या दिखेगा, यहां जो है ये सब थिकनेस हो गए। अब इसमें यहाँ पर जो है हमें काटने के बाद ये स्टाइल का पूरा एलिवेशन है। अब इस बीच में इस रेल का आएगा सेक्शन, ये सेस बार आएगा, ये सेस बार आएगा, ये सेस बार आएगा और ये रेल आएगा, ठीक है। तो ये हो गया ये हेड हो गया, ये सील हो गया। अब शटर में हम पार्ट को दिखलाते हैं। अब यहां जो है इस बार को दिखला दिए हम कटिंग में और यहां से यहां ये मेरा हो जाएगा ग्लास, फिर यहां ये ग्लास हो जाएगा, यहां ये ग्लास हो जाएगा, यहां ये ग्लास हो जाएगा। तो ये हो गया बॉटम रेल, ये हो गया टॉप रेल,
यहाँ सेस बार, यहाँ सेस बार, यहाँ सेस बार। अब इसके बीच में जो है ये ट्रायंगुलर पार्ट जो है यहाँ से ये मेरा आ रहा है, यहाँ तो ग्लास लग रहा है, यहाँ इस तरह से तो इसको हम ट्रायंगल से मिला देंगे, ठीक है। इसको डार्क में करते रहने लगे हैं, अब इसका डायमेंशनिंग रह गया मेरा, तो डायमेंशनिंग कीजिएगा इसके इस साइड में। अभी हम इस साइड में कर दे रहे हैं, और ये 35 में से 19 गया, तो अभी हम लाइन में खींच रहे हैं, आप लोग समझिएगा इसको। हम सभी जगह जहाँ ये है सिर्फ लिख दे रहे हैं डायमेंशन, यहाँ ये हो गया 45, ये 45 हो गया, ये हो गया 15, और ये हो गया 75, तो 60 माइनस 13 हो गया 47, तो 13, इस तरह से 13। देखने में देखिए यहाँ लग रहा है कि ये पतला है, लेकिन ये 14 mm है, ऊपर नीचे 13 mm है। ये फ्री हैंड में जो हो रहा है प्रॉब्लम, तो ये स्केल कीजिएगा तो तेरह 14 और ये हो जाएगा 13 43 और ये हो जाएगा 15। अब ये बीच में 256, तो 256 माइनस 26 यानी 240, तो बीच में ये हो जाएगा 240, तो ग्लास पैनल जो क्लियर हमको दिखेगा वो 240 mm साइज का ही दिखेगा, ठीक है। और ये बीच का डायमेंशन जो है हम आपको बता दिए, तो
ये मेरा कंप्लीट हो गया ग्लेज विंडो विथ वुडन फ्रेम्स।